नमस्कार, नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। रेलवे टेक्सटाइल कॉलोनी समय पर स्थित किड्स एडोवी ईएम स्कूल में अभिभावक एवं स्कूल के प्रधानाचार्य के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार श्रीमती शारदा केडिया पति गोपाल केडिया के दो बच्चे बादल एवं दानी उक्त स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दो तीन माह की फीस बकाया रहने पर स्कूल की प्रधानाचार्य जी तिवारी ने बच्चों को परीक्षा देने के लिए मना कर दिया। यह जानकारी मिलने पर श्रीमती शारदा केडिया ने स्कूल की प्रधानाचार्य से फोन पर संपर्क कर बच्चों को परीक्षा में शामिल करने का अनुरोध किया, लेकिन स्कूल की प्रधानाचार्य दुर्व्यवहार तरीके से कहा कि फीस जमा करने के बाद ही बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। हताश शारदा केडिया ने समाज सेविका रेखा अग्रवाल समेत अन्य अभिभावकों को मामले की जानकारी दी और समाधान करवाने का अनुरोध किया। मामले की जानकारी एवं फोन रिकॉर्डिंग रेखा अग्रवाल ने कुछ मीडिया प्रभारियों को दी। जानकारी मिलने पर कुछ अभिभावक एवं मीडिया प्रभारी मामले की जानकारी लेने स्कूल में पहुंचे। मौजूदा अभिभावकों ने भी इस विषय को लेकर स्कूल की प्रधानाचार्य से अनुरोध किया। तभी स्कूल की प्रधानाचार्य डी तिवारी गुस्से में आकर चिल्लाकर कहा कि फीस जमा करने के बाद ही परीक्षा देने के लिए कहा जाएगा। इसी कड़ी में एक मीडिया प्रभारी पूरी घटना को अपने मोबाइल पर कवरेज कर रहे थे। तभी स्कूल की प्रधानाचार्य डी तिवारी अपनी कुर्सी से उठकर मीडिया प्रभारी से दुर्व्यवहार करने के साथ साथ मोबाइल छीनने की भी कोशिश करने लगी। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की प्रधानाचार्य डी तिवारी का व्यवहार ठीक नहीं है। फीस जमा नहीं करने से अभिभावक एवं बच्चों को भी धमकाने की कोशिश करती हैं। इस बाबत राजगंगापुर बलका शिक्षा अधिकारी सरिता सरोनिया ने फोन पर संपर्क करने पर कहा कि स्कूल की प्रधानाचार्य फीस जमा नहीं करने से रिजल्ट को रोक सकती हैं, लेकिन परीक्षा देने से नहीं रोक सकती। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूल में पढ़ाई करने वाले अभिभावकों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रधानाचार्य के दुर्व्यवहार के कारण बच्चों के मन में भय व्याप्त हो गया है। दिस इज द स्कूल इशू, कॉलेज के साथ कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्कूल तो में कॉलेज के साथ इशू नहीं, मेरे बच्चों को जब एडमिशन कराने उसके लिए एग्जाम नहीं दे रहे क्या? आपका भाई झुक के मुझे धोख दिखा ही दिखा, तो जब एडमिशन कराने तो मेरे बच्चों को आपको एडमिशन लेना चाहिए। कहाँ से एडमिशन कराएंगे हम? फेल का रिजल्ट, पास का रिजल्ट, पास रिजल्ट में थे, फेल का दिखा दिया है। जब गए ना, मैं टीचर को चेक करा तो पास निकला, तो पास किया। अरविंदो स्कूल जा रहे थे तो मेरे को कहाँ का ट्रांसफर लेने दिए? कुछ नहीं, समझे दीदी कि अगर आप कंप्लेंट यहाँ पढ़ेंगे तो आप पास करेंगे तो आपको फेल करेंगे। मेरे दो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास वन में, और मेरे बच्चों को फीस के लिए एग्जाम्स रोका गया है। 8 महीने का फीस नहीं भरा है बोला जा रहा है यहाँ पर, और 7 महीने मेरे को यहाँ छत्तीसगढ़ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, सिर्फ 7 महीना, और बोलते हैं 8 महीने की फीस पेंडिंग है, जबकि मेरे बच्चों का मात्र 3 महीने का, 3 महीने का मैंने एडवांस दिया है इनको, और मुझे चैलेंज किया जा रहा है कि आपके बच्चे को एग्जाम नहीं दिया देने दिया जाएगा। और आज ही किसी और बच्चे को भी स्कूल में बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि आपको एग्जाम नहीं देने में, प्रिंसिपल खुद धमकी दे रही है। स्कूल का नाम पीडी से अबाउट है। समस्या यही आई कि मेरे बच्चे आके घर में बताए, मुझे नोटिस आया था स्कूल का, लेकिन इसके पापा आउट ऑफ स्टेशन थे और मैंने नोटिस को गौर नहीं किया था, मैं ध्यान नहीं दी थी क्योंकि मैं बिजनेस में, मैं भी खुद भी इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद बिजनेस करती हूँ। तो नोटिस देख के भी मैं ये सोची थी कि मैं 2-4 दिन के बाद एग्जाम्स, अभी डिक्टेशन चल रहे थे, जब बच्चों का पेपर्स मार्च वाले एग्जाम्स आएंगे मेन एग्जाम्स, उसमें मैं बच्चों का फीस पे कर दूँगी 2 दिन में। मेरे हस्बैंड को आउट ऑफ स्टेशन जाना था करके, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करनी कही मेरे मैम कि मेरे बच्चों को कम से कम आप एग्ज़ाम तो दे दीजिए, 2 दिन में मैं आपकी फ़ीस पे कर दूँगी। लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनने के बजाय सीधा मेरे बच्चों को धमकी दी कि हम आपके बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने तब तक नहीं देंगे जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, 3 दिन हो गया है मेरे बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, आज भी उन्होंने मुझे धमकी दी है कि आपके बच्चों को हम एग्ज़ाम्स में अब बैठने ही नहीं देंगे, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम आपके बच्चों को एडमिशन दिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैडम, बच्चों को एडमिशन देके अपनी गलती नहीं किया, बच्चों के एग्ज़ाम्स रोक के अपनी गलती की है। आप एग्ज़ाम्स, आप रिजल्ट तो रोक सकती थी, आप रिजल्ट रोकती अगर हम फीस पे नहीं करते, और अगर 1 दिन का मोहलत हम मांग रहे हैं तो 1 दिन की मोहलत में आपका क्या बिगड़ जाना है? 1 दिन का कम से कम आप बच्चे का भविष्य से बड़ा तो नहीं है 1 दिन? देखिए, जितना भी स्कूल हो, हम लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो, कि गवर्नमेंट का जो संस्था है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज स्कूल चले, क्योंकि पहले भी ऐसे कुछ केसेस आ चुके हैं कि जो विदाउट रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ के जो अच्छे अच्छे स्कूल में बाद में दाखिला के लिए प्रॉब्लम होती है।
मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को, कलेक्टर को सब इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और अभी फिलहाल सेम क्वेश्चन हम लोग विधानसभा में भी उठाए थे, और ये जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल है उसको हम लोग इधर बंद करेंगे या गवर्नमेंट को बोलेंगे कि इसको रिकॉग्नाइज। देखिए ये इसका सूचना अभी अभी आप ही बता रहे हैं मुझे, मैं तुरंत आज ही इसके बारे में मैं पता करके अगर शाम तक बोले तो शाम तक मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। एज पर जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और रूल है कि बच्चों को एग्ज़ाम देने से कोई रोका नहीं जाना चाहिए तो रोकना नहीं चाहिए। देखिए एज पर जो रूल है वही कार्रवाई होगा। मैं अभी तुरंत डीओ से बात करूँगा अभी, और हो सकता है तो डीओ से, और मैं स्कूल का प्रबंधन से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ही आज मुझे ये केस सॉल्व होना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।